हेलो एवरीवन, यू वेलकम इन अवर चैनल द न्यू इमेजिनर्स। ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे सीज़मिक बेस शेयर के बारे में। स्टैड.प्रो में जो हमारे पास एनालिसिस है सीज़मिक बेस शेयर का। ओके, तो यहाँ से हम कोई न्यू फाइल ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग है। तो ये हमारे पास प्लान है एक्स के डायरेक्शन में 1 2 3 4 फोर स्टेप 5 5 मीटर की, एंड जेड के डायरेक्शन में बात करें तो 1 2 3 थ्री स्टेप हमारे पास 5 5 मीटर की, एंड जो वाई के डायरेक्शन में हाइट है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की, जो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है 4.2 एंड रिमेनिंग फ्लोर 3.2। तो 1 2 3 4 5 फाइव स्टेप्स हैं हमारे पास। ओके, तो गाइज यहाँ पर हम ड्राॅइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे सीज़मिक बेस शेयर। हम पुराने वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं अपना नॉर्मल जो हमारे पास सिंपल लोड केसेस होते हैं, डेड लोड एंड लाइव लोड एंड विंड लोड हो गया। उसके बाद हमारे पास स्टेयर केस हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एंड वाटर टैंक के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो स्टेयर केस में हमारे पास प्लेट लोड था। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे ग्रिड लीनियर में, ये बन जाएगा। ओके, यहाँ पे प्लेन एक्सटेंड रहेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स 4 स्टेप्स 5 5 मीटर, एंड जेड के डायरेक्शन में 3 स्टेप्स 5 5 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हम बीम्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके, स्नैप नोट ऑफ करके ऑन, कोई भी बीम हमारा ओवरराइड नहीं होना चाहिए। क्लोज। तो हमारे पास ये प्लान बन चुका है एक्सेट प्लेन पे, ट्रांसलेशनल प्लेन वाई के डायरेक्शन में। नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास 5 हैं। जो स्पेसिंग है हमारे पास 3.2, लिंक कर देंगे हम इसको। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फ्लोर की हाइट है वो है 4.2, तो हम इसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग फ्लोर की हाइट जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेना चाहते हो, तो आप मैन्युअली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं वैल्यूज़ को। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। बेस कट कर दो, क्योंकि बेस में हमारे पास फाउंडेशन होगी, सपोर्ट्स होंगी। क्रिएट करते हैं हम यहाँ से फिक्स सपोर्ट्स के असाइन टू व्यू। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे 0.45 एंड 0.3 ऐसा इंटरव्यू। ओके, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ये हमारे पास कॉलम का जो साइज 450 बाई 300 mm का 0.45 मीटर में। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास लोड एंड डेफिनेशंस। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, सीज़मिक की डेफिनेशन एंटर करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन रहती है वो रहती है IS 1893 2002 2005। तो हम यहाँ से जनरेट करते हैं डाटा जो हमने एंटर करना है। तो जो अर्थक्वेक के लिए हम चेक करते हैं, जोन वाइज होता है हमारा 4 जोन। तो फिलहाल हम सिटी वाइज नहीं, अगर हम सिटी वाइज सेलेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लूँगा, बट हम क्या करेंगे, हम जोन वाइज ले रहे हैं। और हमारे पास मोस्ट डेंजरस जोन 5th जोन में हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे पास इम्पोर्टेंस फैक्टर रहेगा और वेल्डिंग 1 रहेगी वैल्यू, डैम्पिंग रेशियो 5 रहेगा, क्योंकि हार्ड सॉइल सॉइल टाइप जो रहेगी जनरेट किया हमने, एंड सेल्फ वेट फैक्टर ऐड किया, एंड मेंबर वेट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो मैंने यहाँ पर -3 किलोमीटर ऐड कर लिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोर वेट। मैंने पहले 4 फ्लोर के लिए अलग से अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हाइट है हमारे पास, हाइट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप यूनिट चेक कर सकते हैं। तो जो हमारे पास 4 फ्लोर की हाइट है वो 13.8 है, एंड रिमेनिंग फ्लोर की जो टोटल फ्लोर्स हैं 17। तो हम पहले 0 to 13.8 अप्लाई करेंगे, एंड -2.5 13.8 to 17 ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे जो असाइन करने वाला है उसको असाइन कर लो, एंड बाकियों पे एक बार क्लिक कर लो। यस, ओके, फाइन। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, क्रिएट टू लोड केसेस। फर्स्ट वन इज क्रिएट टू लोड केसेस, प्राइमरी लोड केसेस सीज़मिक के नेम से आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे टाइटल नेम में एंटर कर रहा हूँ सीज़मिक। फर्स्ट जो है हमारे पास सीज़मिक वन, एंड जो सेकंड है वो है सीज़मिक टू। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लोड केसेस क्रिएट हो गए हैं, सीज़मिक वन एंड सीज़मिक टू हमने ऐड किया।
तो यहाँ पे हमारे पास सीज्मिक में सीज्मिक लोड, सीज्मिक में फैक्टर एक्स की डायरेक्शन से ऐड एंड क्लोज। और आप चेक करो ये आइस जो हमने डेफिनेशन दी थी 1893 के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास ऐड हो गया है। एंड जो सेकंड वन है वो जेड की डायरेक्शन से ऐड क्लोज। इतना करने के बाद आपने ऑटो लोड कॉम्बिनेशन ऐड कर लेने हैं, इंडियन कोड, जनरेट लोड, ऐड क्लोज, एनालिसिस विंड। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हम एनालाइज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। बस हमारे पास यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, वार्निंग्स को हम इग्नोर करते हैं। तो आप देख रहे हो जीरो एरर, व्यू आउटपुट डन। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। आप यहाँ से रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहते हैं। ओके, ये जो आप चेक कर रहे हो, ठीक है, सिंपल जो सॉरी हमारा जो सीज़मिक बेस शेयर है उसके के लिए हम यहाँ से पोस्ट प्रोसेसिंग चेक कर रहे हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग में हमारे पास एनिमेशंस में सेक्शन डिस्प्लेसमेंट अप्लाई। ओके, तो गाइज आप चेक करोगे यहाँ पे हल्की हल्की वाइब्रेशंस। अगर आप स्केल चेंज करना चाहते हो आप स्केल चेंज कर सकते हो। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टर्न कर दो एनिमेशंस में सेक्शन, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है, जो सिंपल सीज़मिक बेस शेयर है। तो ये हमारे पास अर्थक्वेक के लिए था सिंपल सीज़मिक बेस। सो होप गाइस आपको ये वीडियो सही लगी हो। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड लाइक कर दो वीडियो को। ओके, थैंक यू गाइस।